डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी, मान्य विधायक गण श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर डीसी वर्मा जी, डॉक्टर एमपी आर्य जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, श्री श्याम बिहारी लाल जी, पूर्व विधायक श्री बहोरन लाल मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी बरेली लोकसभा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री श्री छत्रपाल गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष अधीर सक्सेना जी, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, श्री घनश्याम खंडेलवाल जी, शिव सिंह चक जी, डॉक्टर के एम अरोड़ा जी, राजकुमार शर्मा जी, देवेंद्र चौधरी जी और उपस्थित बरेली के मेरे सभी प्रबुद्ध जन बहनों और भाइयों, नाथ नगरी को पुनः एक बार नमन करते हुए मैं आप सबका इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही दिन पहले मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय हम लोगों ने विकास की ढेर सारी सौगात बरेली को दी और उस समय भी मैंने आपसे अपील की थी पूरे देश के अंदर एक आवाज है और वह आवाज एक स्वर से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, चौहोर गूंज रही है और वह आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार की। क्या आवाज है? कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये मोदी सरकार की गूंज अचानक देश के अंदर नहीं सुनाई दे रही है, इसके पीछे कारण है। मोदी जी ने 10 वर्ष तक देश के लिए जो परिश्रम किया, जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाया, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया, निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की, नौजवानों के लिए आजीविका की व्यवस्था दी, आस्था का सम्मान किया और देश के छवि को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का जो कार्य किया, आज उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारतवासी एक ही स्वर में बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। बहनों और भाइयों, ये होता भी है। अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हम भी अवसर आने पर उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आज यह अवसर हमारे सामने है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विकास की जिन नई बुलंदियों को छू रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कार्य हो रहे हैं, रेलवे, हाईवे, मेट्रो, रोपवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, गांव गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हर घर नल की योजना के साथ जुड़ने के लिए भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है।